मछलियों को दाना भी लिए हैं और तुम्हारे सब आ गए हैं जमुना जी कन्हैया के तट पर, जहाँ पर कन्हैया जी यहाँ पर नहाते थे और गायियाँ चराते थे। आज हमको उनको नाग फन पर डांस करते थे और यहाँ पर हम लोगों को देखने का आज अद्भुत मौका मिला है, जो चमत्कार के स्वरूप है। और एक लोग आप भी आइए एक बार, और यहाँ देखो ये नाए हैं और बोट भी जा रहे हैं, देखो वो देखो एक गाय चरा रहे हैं, गायियाँ भी बैठी हुई हैं, बहुत सारी यहाँ की प्राचीन और पुरातत्व की मान्यताएं हैं। अभी ये देखो रिक्शे लेके निधि वन को भी जाते हैं। पूजा तो कर ले, बजने आ रहे हैं बांस वगैरह। ये लाड ये चाव हमारी कान्हा जी। अरे नहीं एक बड़ी अच्छा बोलो जमुना जय वो भाई डर लग रहा है फोन पे। ओ गाइस हम लोग पानी के बीच में, इसको देखो भाई अब अम्मा भी बोली है मछलियों को दाना डालें। अरे जय माता दी। अरे अब देखो हम लोग नौका विहार के लिए निकल पड़े हैं, मछलियों को दाना भी लिए हैं और तुम्हारे बोलो अच्छा लग रहा है बोलो। पता था नहीं तो एक किलो आटा हाँ अरे वो मिलता था एक चुनान चुनाने के लिए नहीं था ना। लूडो देखा उधर, ये दिल्ली सारी ये लूडो है जब भी गंदी हो गई है। ये देखो नाले का पानी है ना साथ में, दिल्ली के लोग पागल है। साग नहीं इसमें, साग कहाँ रहे बाबू। बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 राधे। अरे भैया हमको भी पक्का कर दो, ले ले पानी और क्या? पानी ले लो भाई पक्का कर दो मतलब उसका उसका। देखो देखो इसकी बना इसकी किसकी केशु की डांस कर रहा है। करो भाई डांस लाडो, तुम भी यहाँ खड़ा कर दे डांस। लाडो डांस कर, भैया डांस कर रहा है ना, लाडो डांस कर। कुछ नहीं करेगी ये, यहाँ तो मछली नहीं पकड़ते होंगे ना। अभी हम लोग गाइस देखो नाव में सवार होके जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं। मैं डर रहा हूं। हेलो गाइस आईपी तो ये खड़ा हो रहा है, इसकी वजह से ये खड़े होने की वजह से नाव ना ऐसे ऐसे कर रही है। नहीं नहीं मतलब अनबैलेंस होने जा रहा है, अनबैलेंस हो जाएगी ना वो। ये आ गए, इसको जबरदस्ती है यहाँ बैठने की, जहाँ मैं बैठा हूँ तो हट जाना। इसका प्रेशर लगाव भी बहुत है, अभी बैठा लेता हूँ इसको क्योंकि आया ऐसे दूर से। देखो जाएंगे संभाल भी नहीं पा रहा लड़का, कितना खराब हो रहा है भाई। नाव ये देखो, नाव भी है, जन्म हुआ देखो, भाई भी है देखो, लाडो को देखो, लाडो को लाडो लाडो कैसे देख रही है लाडो देखो। ये देखो लूडो लाडो देखो लूडो हाय कर दो, हाय हाय कर रहा है लाडो कर रही है हाय हरी हरी बाय बाय। क्या बढ़िया वीडियो बन गया है। हाय आ जा आ जा, नए वालों को भी दे दो, नए वालों को पानी नहीं आ रहा क्या हम बोलो ना हाय कर रहे हैं मैं हाय कर मैं वीडियो बना लेना मेरी वीडियो बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है ना बैठ के। नजारा देखो कितना कितना जान। ओ सबसे बड़ी बात ना वेदर यहाँ पे ज्यादा बढ़िया हो रखा है ना, बारिश वाला सोचा ऐसी बारिश तीन दिन होने शुरू हो जाए हो क्या काम। देखो भाई केशु को देखो पहले तो केशु को शकल दिखाओ, दिखाओ शकल दिखाओ, ये रोने लग गया भाई, इसको चलाने जा रहा, दर्द हो रहा है पैर में। अब तो वीडियो में डालेंगे इसे गाइस। ये कल वाला जिसमें हमने खाना खाया था देखो,
जूम करके दिखाऊँ, इसका नाम श्री बाकी वाला ढाबा एवं पवित्र भोजन, राधा रानी फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली ढाबा के बिल्कुल बगल में। ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं। अगर आपने भागवत वगैरह सुनी होगी अनिरुद्धाचार्य के नाम से, तो जो वो महाराज है उनका जो यहाँ पे वृद्ध आश्रम है गौरी गोपाल, तो वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और देखो अगर उनसे मिला मुलाकात होता तो वीडियो जरूर दिखा दूँगा, अदरवाइज चलते अंदर। देखो ये गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम, और यहीं पर अभी भंडारा हो रहा है, और शायद अंदर अनिरुद्धाचार्य अंदर होंगे, बैठे होंगे, और वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है, शायद कथा वहाँ पर होती है, और वृद्ध आश्रम भी है जहाँ पे लोग रहते हैं, नाश्ता भंडारा वगैरह होता है। तो अभी अंदर जाएंगे, अंदर दिखाते हैं। और यहाँ पे इनकी पार्किंग है, इनके बिल्कुल जस्ट सामने निःशुल्क पार्किंग है। अभी गाइस हम लोग अनिरुद्धाचार्य जी की जो कथा चल रही है वहाँ से निकल चुके हैं। हमारी वीडियो वगैरह लाइव में भी काफ़ी बार आ गई, देखना होना वीडियो में, तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट हमारा आया था। अगर 30 जून का लाइव सेशन, ये भाई हमें गोलगप्पे खिला रहा है ना भाई, भाई यूट्यूब चलाता है यूट्यूब नहीं चलाता है, फोन नहीं चलाता।
गाइस हम चाचा से उनके बारे में विचार लेना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा। आज हमको यहाँ आके इतनी मन को शांति मिली, इतना मन गदगद हो गया, अंतरात्मा एकदम क्या बताऊँ बाबा सूखी है। कहाँ आज हमको यहाँ आके ये इस्कॉन टेम्पल और निधि वन और गिरिराज जी और वृंदावन और गोवर्धन की जितनी भी परिक्रमा की सबसे इतना अद्भुत, इतना मन से एकदम शांति मिली, इतना मन एकदम फिर से एकदम एंटीवायरस के रूप में जो होता है वो मुझे आज बहुत अपूर्ण इसका लाभ मिला। और मन पूरे अपने आत्मा से कह रहे हैं कि यहाँ एक बार आइए, आप लोग भी आइए, उसके बाद यहाँ देखिए, घूमिए, यहाँ के आने पर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ कैसा है। ये हमारे एक छोटा भतीजा है, ये भतीजा है, ये भी दोनों हमारे साथ ही घूमे, मुझे घुमाए, एक एक चीज़ बताए, क्योंकि इन लोगों ने एक दोबारा और आए हैं। गाइज अभी हम लोग ना एक रेस्टोरेंट में रुके, मतलब खाना खाने के लिए, तो हम यहाँ वॉशरूम आए थे, वहीं पे शूट कर रहा हूँ। अब जो मैं खास चीज दिखाने जा रहा हूँ ना वो देखो बेटा, तुम लोग मतलब जुगाड़ किस किस तरह करा जा सकता है। ये हाथ धोने के लिए है, चलो ये वॉश, ये वॉश बेसिन है। वाह भी वाह, देखो किस किस तरह का जुगाड़ किया जा सकता है। और हम लोग यहाँ पे वीडियो ला रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है, लॉजिक देखो। हेलो,